हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या? क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ड्रग्स केस की आंच अब एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनके घर तक जा पहुंची है। और एनसीपी नेता व मंत्री नवाब मलिक ने उनकी बहन की तस्वीर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या मालदीव या दुबई गए थे परिवार के साथ? कोरोना काल में वहां पे क्या कर रहे थे? क्या बॉलीवुड वालों के साथ वसूली कर रहे थे? इतना आरोप लगाना था कि हंगामा मच गया। सुनिए नवाब मलिक क्या आरोप लगा रहे हैं संदीप वानखेड़े। कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या, इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या? क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। जैसा कि आपने सुना, खुल्लम खुल्ला बात है। आखिरकार नवाब मलिक एनसीबी की ड्रग्स केस की जांच के पीछे क्यों पड़े हैं, क्या वजह है? आपको बता दें कि इसी साल की जनवरी में उनके दामाद समीर खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले जमानत मिली है। वो भी ड्रग्स केस में ही गिरफ्तार हुए थे। तब से नवाब मलिक के बारे में कहा जाता है कि वो खुन्नस खाए बैठे। बहाना इस बार मिल गए हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। चूँकि सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उनकी आड़ में वो संदीप वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं। पिछले दिनों बात ये आई थी कि जो जोनल डायरेक्टर संदीप वानखेड़े हैं, वो जब भी अपनी माँ के कब्र पे जाते हैं तो कोई उनका पीछा करता है। इसको लेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत भी की गई थी। संदीप वानखेड़े का क्या इतिहास है और कैसे अवसर हैं, ये विभाग देखेगा। लेकिन जैसे ही उनकी बहन की तस्वीर उन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट की, उसके बाद वो भी सामने आए। और सुनिए संदीप वानखेड़े क्या जवाब दे रहे हैं। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है। सर, आप खंडन ही वसूली करने के लिए मालदीव गए थे, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। सर, नवाब मलिक कहते हैं कि साल के आखिरी तक आपकी नौकरी, धमकी दी है, आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ऐसा भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत आपके क्लैरिफिकेशन के बाद में उन्होंने ट्वीट किया है और कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। वो मुंबई के फोटो, ग्रैंड होटल दुबई का है, वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज़ की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं।
पासपोर्ट होता है उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो चीज। सर हमारा नवाब मलिक आरोप करता है, आज तो आरोप किया कि तुम्हें मालदीव खंडनी वसुली साठी वगैरह जाता, तर त्यावरती काय प्रतिक्रिया? मी हे सांगतो की वारंवार 15 दिवसापासून माझी मृत आईवर, माझे रिटायर्ड वडिलांवर, माझी बहिणीवर कंटिन्युअसली अटॅक, घाण शब्द आणि पर्सनल अटॅक्स, मी याचं पूर्ण खंडन करतो। ते खूप मोठे मंत्री आहेत, त्यांना राईट असेल बहुतेक लोकांची इन्सल्ट करायची, बट आय एम अ व्हेरी स्मॉल गव्हर्नमेंट सर्वंट, मी माझं फक्त काम करतोय नंबर वन। यासाठी सरकार तुमची नोकरी घालवू, त्यानंतर तुम्हाला जेलमध्ये टाकू अशी सुद्धा भाषा नाही। जर 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 देशाची सेवा करण्यासाठी आणि ड्रग अँटी ड्रग ऑपरेशन करण्यासाठी जर जेल आहे तर आहे, मी स्वागत करतो त्याचं, जर देशसेवेसाठी हे करणार माझ्या बरोबर। सर लेकिन जिस तरह पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं परिवार वालों के। सर एक इंग्लिश में दे दीजिए, सो द एलिगेशन व्हिच हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट यू बाय द नवाब मलिक स्टेटिंग दैट यू वेंट टू दुबई होटल, यू वर देयर विद योर सिस्टर एंड यू आल्सो शोड द फोटोज ऑफ इंस्टाग्राम फोटोज ऑफ योर सिस्टर। अगेन 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 आई एम रिटायरेटिंग एंड 100 टाइम्स आई विल रिटायरेट अगेन। आई हैव नेवर बीन टू दुबई, whatever time is stating that. Secondly, there are mechanisms to check where a person is, so this is completely false, and I have never been to Dubai with my sister, what he is mentioning during that date and time, so it is false and I completely condemn it. Even you went to Maldives, you even went to Maldives for that extortion, this is the allegation against you and your family regarding hindi mein batai sakte hain hamare jo pichle 15 din se jo hamare par personal attack ho rahe hain, jo meri jo mrutak maa hai wahan par attack ho rahe hain, meri jo behan hai us pe attack ho raha hai, mere jo sevanivritt पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ही अटैक हो रहा है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सी आई एम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो आई हैव टू टेक ड्यू परमिशन फ्रॉम माई सीनियर्स एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ लीगल। सर आज के इन्वेस्टिगेशन को बात करें, जहाँ पर अनन्या पांडे को आज कई घंटों तक की पूछताछ की गई, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सर आपको इस उद्देश्य से यहाँ पर लाया गया था ताकि आप टारगेट कर सके, करेक्ट, बॉलीवुड को टारगेट कर सके, महाराष्ट्र को बदनाम कर सके, उस बारे में बताइए। हाँ, आपने काफी वैलिड सवाल पूछा, उसके लिए हमने एक प्रेस रिलीज भी हमारे सीनियर्स ने इशू की है। मैंने एनसीबी में आने के लिए अप्लाई 2019 में किया था, जबकि केस हमारे पास नहीं था। मेरा केस जो एनसीबी में आने का था उसके पहले एक साल पहले से चल रहा था। सो ये जो कनेक्शन भी लगा है कम्प्लीटली, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उसका आपको प्रेस रिलीज भी दिया गया है। ते काही सांगू शकत नाही, आय एम जस्ट अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर, आय एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। जे कोणी एनडीपीएस ऍक्ट व्हायोलेट करतात, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन कमेंट ऑन दैट। कहा गया कि जब आप मालदीव गए तब वहाँ पे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी मौजूद थे, सेलिब्रिटी मौजूद थे, मेरे और एक्सट्रॉशन के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल, ये बहुत ही घिनौनी शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई छोटे बच्चों के साथ में जाके एक्सट्रॉशन जैसी घटिया चीज या घटिया क्राइम कोई भी करेगा। सर नवाब मलिक ने तो सेलिब्रिटीज से आप वहाँ पर मिले थे क्या, वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई आपकी? मेरी किसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है, इट वॉज विथ ऑल ड्यू परमिशंस, एवरीथिंग लीगल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, धन्यवाद। तो आपने सुना, उनका कहना यह है कि हाँ मैं गया था दुबई नहीं मालदीव, और सब कुछ डिपार्टमेंट के नॉलेज में है, जो पासपोर्ट होता है उसके बाद जो है वीज़ा भी बनता है, और बिना गवर्नमेंट अधिकारी या कर्मचारी बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के नहीं जा सकता। बाकी मैं मुंबई में हूँ और जो कुछ भी वो कह रहे हैं मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। ठीक, दोनों पक्ष की ये बातें हो गई, लेकिन नवाब मलिक कह रहे हैं कि संदीप वानखेड़े मैं आपको जेल भिजवा के मारूंगा। क्यों, किस आधार पर? क्योंकि आपने जो है बॉलीवुड के साथ जब कोविड काल में सब लोग वहाँ गए हुए थे मालदीव, तब वहाँ जाकर के आप वसूली कर रहे थे। किस ग्राउंड पे? ग्राउंड ये, एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में सबको पता है, उसके बाद ड्रग्स केस की जांच शुरू हुई थी, उसमें एक एक करके
बॉलीवुड की बड़ी मछलियाँ जाल में फंसने लगी थी। कहते ये हैं, उनका आरोप ये है कि मालदीव में जा कर के और जो है वसूली की गई, उसके बाद उस मामले को शांत कर दिया गया और फिर से आर्यन खान के बहाने जो है ये सब शुरू किया गया। दरअसल नवाब मलिक ये कहना चाहते हैं कि सत्ताधारी दल के इशारे पे और पैसे लेकर के सब कुछ किया जा रहा, फंसाया जा रहा है। और दूसरा पक्ष ये कह रहे हैं कि चूंकि इनके दामाद की गिरफ्तारी हो चुकी है, ड्रग्स केस में हो चुकी है, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं कि इस आर्यन खान के मामले की जांच कब कंप्लीट होती है, इसमें कौन कौन से और लोग फंसते हैं, और नवाब मलिक ने जो राग छेड़ा है, जो संदीप वानखेड़े पे आरोप लगाया है, उसकी अंतिम परिणति क्या होती है, क्या संदीप वानखेड़े ऐसा कुछ किए हैं तो बिल्कुल उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सब कुछ अभी भविष्य पे डिपेंड करेगा कि नवाब मलिक सिर्फ यही तक उनको घेर रहे हैं या आगे तक पीछा करेंगे और ये मामला कहां तक जाएगा, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू।